बहुत ठंडा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड टोल प्लाजा है, देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो यार क्या बैंगलोर है यार, बकवास लगा मुझे तो, बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। क्या ये 200 मीटर्स को सिग्नल आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो हमारी राइड स्टार्ट हो रही है, अभी निकल रहा हूँ मैं घर से, फ्रेंड को पिकअप करना है। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आ रहा है सैमुअल करके, जो मेरे साथ फर्स्ट लॉन्ग राइड पे आया था अपने V3 में, पुणे लाइक लोनावला महाबलेश्वर जब गए थे, वो फ्रेंड आ रहा है, उसको जाके पिकअप करते हैं। फिर वहाँ से एक और फ्रेंड के पास जाते हैं, दो बाइक्स जा रहे हैं फ़िलहाल अभी केरला को, मैं और मेरा दूसरा हिमालयन, और मेरा फ्रेंड मेरे साथ एक जना आ रहा है, तो टोटल 3 जनों निकल रहे हैं। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, रास्ते में बात करेंगे ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने मेरे फ्रेंड को पिकअप कर लिया, मेरा फ्रेंड सैमुअल को, और ये हमारा फर्स्ट फ्यूल अप है। बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर निकलते हैं एक और फ्रेंड के पास, वो वेट कर रहा है हमारा हाईवे पर, जल्दी पेट्रोल फिट करवा के उसके पास निकलते हैं ठीक है। थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपको। बारिश चालू हो रही है, अभी बारिश गिर रही यार, बीच में कूता मर गया था यार, बाप किसी ने उसके ऊपर से चला दिया, तो बाइक रोक के उसे बीच रोड से उसको लाइक साइड में करके रख दिया हूँ, पूरा उसके अंदर के सब थोड़ा बहुत बाहर आ गया था यार। प्लीज़ कार से दो बाइक से दो देख के चलाइए यार प्लीज़। तो ये मेरा फ्रेंड आ गया, लाइक मैं मेरे फ्रेंड के पास आ गया हूँ, ये हिमालयन। इंटरकॉम कनेक्ट कर लेते हैं, बैग में है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। फ्रेंड देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट हो गए, मेरा फ्रेंड मेरा पीछे है यार। इंटरकॉम जो है वो कनेक्ट करने को ही नहीं आ रहा है, कितना ट्राई कर रहे थे कनेक्ट करने के लिए, एक फ़ोन में लाइक एक इंटरकॉम कनेक्ट हो रहा है एक और नहीं हो रहा है, तो काई को टाइम वेस्ट बोल के निकल रहे हैं फिर अभी हम। तो अभी कहाँ है, कोतुरु बेंगलुरु हाईवे पे है, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत जाएंगे तो चलाएंगे नॉन स्टॉप, जितना हो सके उतना हो चला के, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे। मेरा फ्रेंड मेरे पीछे आ रहे हैं, बेंगलुरु 7:30 का थे। ये देखिए मेरा फ्रेंड आ गया है, सो दो हिमालयन जा रहे हैं अभी। चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा आ गया है अभी, केरला ट्रिप का फर्स्ट टोल। तो आगे मेरा फ्रेंड जा रहा है मोइस, तो
फाइनली फर्स्ट टोल क्रॉस हो चुके हैं। टाइम देखिए 12 हो रहा है। एक्चुअली प्लान जो ट्रिप है वो बहुत लेट स्टार्ट करे, कल मैं ऑफिस लॉग इन करके घर आई अब तक ही 2 बज गए थे, तो मैं बोला इनको कि अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock नहीं स्टार्ट होंगे, धीरे से स्टार्ट होंगे, थोड़ा बहुत लेट मैं घर जाके थोड़ा बहुत सो जाता हूँ, क्योंकि नींद भी तो इम्पोर्टेंट है यार, नींद रहना चाहिए मेन। तो मैं घर जाके सो गया था, फिर आराम से 7:30 को कुछ उठा मैं, उसके बाद पैक पैक करके रेडी हुए जब तक यहाँ पे घर के पास ही 9 हो गया, इसको मिलने को आए जब तक 11:30 हो रहा था। ये दूर रहता है मेरे घर से 40 किलोमीटर्स दूर, तो शमशाबाद हाईवे के पास मैं मेरे फ्रेंड को मिला, तो वहाँ से हम राइड स्टार्ट करें, तो कार वाला पूरा धुआं उड़ा के जा रहा। तो चलो अब निकलते, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वहाँ पे होटल बुक करे ऑलरेडी वायनाड में, केरला में, देखना वहाँ पर कब तक रीच होंगे, अभी तो 12 हो रहा है, कहीं सा भी क्या बोलते आई गेस नाइट 12 नहीं और ज़्यादा ही होता, आई गेस 1-2 होता रहेगा सोच रहा हूँ मैं, नॉन स्टॉप गए तो मतलब ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेके नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स ऐसे कवर करें तो जल्दी जा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल है वैसे जाना, फिर भी ट्राई करते हैं जल्द से जल्द मतलब डेस्टिनेशन रीच होने की। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, देखते रहिए आप जब तक, एंजॉय करते रहिए लोकेशन आजू बाजू के। यार मौसम बहुत ठंडा हो गया है, पता नहीं मुझे जैकेट पहना होना गेयर, पर अंदर से ठंडा लग रहा है ऊपर से, और यहाँ पे देखिए लोकेशन कितना अच्छा है यार, वहाँ के पहाड़ा देखिए दूर से कितने अच्छे लग रहे हैं, बारिश नहीं गिरना चाहिए, बारिश गिरी तो फिर माइक सेटअप सब निकालो लाभ लाभ, और बारिश में रोड़ा भी बहुत गीले हो जाते हैं तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, तो बारिश नहीं आए तो ही जल्दी जल्दी कवर कर सकते डिस्टेंस। किलोमीटर्स कुछ कंप्लीट करे अभी तक, तो ये सेकेंड टोल, भूख लग रही है, आगे कहीं रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। दो टोल्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रुके अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, पता नहीं कौन सा एरिया ये, लाइक ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स क्रॉस हो चुके हैं हैदराबाद से, पता नहीं ये प्लेस कौन सा है, और ये देखिए हमारे बाइक्स पीछे, तो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट हियर। तो हम ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं देखिए, और कुछ करी हो ना क्या नको बस से पहले तो ये खाएंगे पहले, उसके बाद बोलेंगे लगे तो। तो ब्रेकफास्ट में खा रहे क्या ये अंडा भुर्जी ना, अंडा भुर्जी और चपाती पहले खाते हैं चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो यहाँ से निकल रहे अभी, टाइम देखो 1:48 हो रहा है ऑलमोस्ट, इट्स 2, कब तक जाते कि कहीं के वहाँ पे
गाड़ी में हवा फील कराना था यार, भूल ही गया, सामने के टायर में थोड़ा हवा कम है। देखेंगे आगे कहीं हमें नाइट्रोजन एयर मिला तो वहाँ पे हम फील कर सकते हैं। देखते रहिए, मिलता हूँ थोड़ी देर से। भाई कार देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कार का नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा है, स्कॉर्पियो देखिए कितनी सफ़ेद कार, एकदम दूर दूर हो गई है, पता नहीं कितना दूर दूर से जाके आ रही है। तो ये आया हमारा थर्ड टोल, तीसरा टोल केरला ट्रिप का। ऑलरेडी दो टोल्स क्रॉस हो चुके हैं, ये थर्ड टोल है, थर्ड टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाइक्स का कहा है बाप, अरे थ्री व्हीलर को भी नहीं रहता क्या, थ्री व्हीलर को भी फ्री है, नाइस मैन। टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स को अच्छा है, टोल में पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती, पैसे इसने कटते। भाई ये देखिए कर्नूल के अंदर हैदराबाद शेफ द बिरयानी हाउस का थे जहाँ भी जाओ हैदराबाद का नाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही मिलता। तो चाय पियेंगे, नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर्स मारे फिर। तो फ्रेंड्स एक बैड न्यूज़ अभी आई, जो हम इवेंट के जो इवेंट को जा रहे हैं 1000 bikes in 1000 acres बूची, जो बूची लोकेशन में है, बूची यानी बूची एक बड़ा रिसोर्ट है, इंडिया बिगेस्ट रिसोर्ट, तो उसके अंदर ही इवेंट होने वाला था 1000 bikes का। तो सडनली वहाँ पे ड्यू टू हैवी रेन वो इवेंट अभी कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, कहते नेक्स्ट मंथ के लिए, अगस्त मंथ के लिए। तो अभी हम वो इवेंट के लिए मेन जा रहे हैं, तो अभी इवेंट कैंसिल, तो हम केरला एक्सप्लोर करेंगे, वायनाड एक्सप्लोर करेंगे, जो भी प्लेसेस है। वो टू डेज इवेंट था, तो टू डेज में अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, बाकी के और दो दिन भी वहाँ पर रुक के हम केरला पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, क्या कर सकते हैं अभी, इट्स ए नेचर कॉल। तो बहुत सारी बारिश हो रही है कहते वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा ट्री गिर गया है कहते रिसोर्ट के सामने, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड रहता है, ट्रांसफॉर्म क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर गिर गया कहते। तो ड्यू टू दैट दे हैव पोस्टपोन्ड द इवेंट फॉर नेक्स्ट मंथ। तो अभी जाके बस एक्सप्लोर करेंगे और क्या करेंगे, घूमेंगे केरला अच्छे से, आ जाएंगे फिर घर को। तो अभी हम बैंगलोर के रास्ते में है, यहाँ से 200 किलोमीटर्स है बैंगलोर, देखते हैं बैंगलोर में स्टे करना है तो स्टे करेंगे या तो डायरेक्ट वायनाड क्रूज करने के लिए देखेंगे नॉन स्टॉप, लेट्स सी क्या होता है। चलो मिलते हैं, आप देखते रहिए। देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो रेनकोट पहन लेते हैं।
तो अपना सेकंड फ्यूल अप ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स के बाद सेकंड फ्यूल अप। तो फ्रेंड्स ये देखिए सिक्स्थ टोल गेट हो गया। ये टोल गेट के बाद वी आर इन टू द बैंगलोर सिटी। टन 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 बैंगलोर को आ गए। उसके बाद बैंगलोर सिटी आएगी। आप वीडियो पूरा देखिए यार, स्किप कर कर के मत देखिए। इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ यार आपके वास्ते। आप तो यार 10-15 मिनट टाइम नहीं दे सकते हो मेरे वीडियो के लिए? दो यार, दो देखो वीडियो में क्या है कैसा है। अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग से वीडियो बनाना है तो वो भी बोलो कि यार ऐसा बनाना था वीडियो, वैसा बनाना था करके। तो ऐसा मैं भी नेक्स्ट टाइम, अरे ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो यार इनको ऐसा पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा अलग तरह से बनाए थे बोल के मैं अलग तरह से ट्राई कर सकता हूँ। तो अभी बैंगलोर, वी आर इन टू द बैंगलोर। बैंगलोर तो आ गए। अभी आप चेकिंग किकिंग कैसी रहती नहीं मालूम, ये फॉग लाइट्स अलाउ करते या उसको कवर करना पड़ेगा मुझे किसी कपड़े से। एंड और क्या क्या रूल्स रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है बहुत पहले से बैंगलोर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। चलो आप देख लेंगे, आप देखने का मौका अभी मिल जाएगा हमें। तो वीडियो को पूरी तरह से देखना, ये होगा डे वन। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। मिलते ही रहता हूँ मैं अभी थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पे स्टे करना है नहीं। स्टे करना है तो ये आज का वीडियो यहाँ पे एंड करने पड़ेगा डे वन का। तो हम होटल लेंगे, रूम लेंगे, देखेंगे रूम वगैरह कैसा है, आपको लास्ट उसका वीडियो बता दूँगा। फिर आज का वीडियो एंड, डे वन का वीडियो आ जाएगा जल्दी के बाद। डे टू केरला, डे टू का वेट रहेगा सबको आई गेस। केरला हिल स्टेशन कैसा रहेगा, और केरला से हम एक और हिल स्टेशन भी जाएंगे। वो हिल स्टेशन है द किंग ऑफ हिल्स, द किंग ऑफ हिल स्टेशन कॉल्ड एज ड्रैगन। इसका नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा है किंग ऑफ हिल स्टेशन, ठीक है? तो अभी देखो वीडियो बंद करता हूँ, फिर थोड़ी देर से ऑन करूँगा कैमरा मेरा। यार क्या बैंगलोर है यार, बकवास लगा मुझे तो, बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। क्या ये 200 मीटर्स को सिग्नल आए, जर्रा आगे गए कि सिग्नल आ रहा, जर्रा आगे गए कि सिग्नल आ रहा। अरे मेरा दोस्त बीच में भटक गया, सिग्नल गिरा बोल के मैं आगे चले गया। फिर उसको क्या लोकेशन भेजा उन्होंने, वो लोकेशन देख लेते मैं कौन सा कि मार्केट में चले गया। वो मार्केट में पूरे ट्रक ही थे बड़े बड़े, इतना स्पेस भी नहीं आगे जाने के वास्ते। फिर पलटा के फिर मेरे दोस्त के लोकेशन पे आया, पूरे जस्ट 200 मीटर्स को सिग्नल, 100 मीटर्स को सिग्नल। क्या ही है छोटे छोटे गलियों में सिग्नल कहीं को, इतने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा मेरे को। एक तो मेरे दोस्त के फ्रेंड लोग उसको लोकेशन भेजे, वो लोकेशन और यहाँ से 9 किलोमीटर्स है। यहाँ पे ही घूम रहे हम जब से, यहाँ पे ही लेट हो जा रहा। क्या बैंगलोर सिटी है कि पीछे, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बैंगलोर। इतना छोटा छोटे गलियों में सिग्नल आ, अरे फिर यहाँ पर एक सिग्नल। मतलब सामने और एक सिग्नल, यहाँ पे अब भी गया ना 100 मीटर्स भी नहीं हुआ। हाँ आई गेस 100 मीटर्स रहेगा ये करेक्ट, यहाँ तक यहाँ पे और एक सिग्नल। और छोटे छोटे गलियों में से फ्लाईओवर आए, क्या तो अभी समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे गलियों में फ्लाईओवर आ गई खूब। आप क्या यार, पुणे तो भी बेटर था आप यहाँ से, इससे पुणे भी संभवत ऐसे ही था, लेकिन इतने ज़्यादा सिग्नल्स नहीं है वहाँ पे।
कर लिया है थोड़े छोटे ऐसे क्यों यहाँ पे गई कि वहाँ पे कर लिया आती, फिर वो आगे गई कि और के कर लिया आती, कर लिया बहुत है, लेकिन यार बैंगलोर तो उससे भी ज़्यादा डेंजर निकला। ये तो जरा भगाएंगे बोलते स्पीड लिमिटर आए यहाँ, क्या बोलते हाईवे पे, हाईवे नहीं सिटी टच हो गए शायद, सिटी में ही जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर 3 स्पीड लिमिटर आए यार, वो भी 80 के ऊपर नहीं जाना कहते। वो रोड इतना मस्त रोड है, 80 के ऊपर क्यों नहीं जाते, हर कोई 80 के ऊपर ही जाता। दिमाग खराब हो रहा मेरे को चला चला के, अभी ये ट्रैफिक भी, ये बैंगलोर के रोडों में ही ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। हाईवे पर अच्छा था, बाजू बाजू गली में लेफ्ट मारो राइट मारो, सिग्नल वहाँ पे गए कि सिग्नल, यहाँ पे गए कि सिग्नल, बेटर स्ट्रेट आ। क्या है कि बाप, आगे ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे ट्रैफिक वाले, अपने को देखे लेकिन रोके भी नहीं, सीधा आ गया मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। तो अभी फ़िलहाल बैंगलोर में है, अब भी उठे निकलना अभी यहाँ से रेडी ओके। उसको देखो कैसा सो रहा है सैमुएल, सैमुएल उठो चलो, 2 मिनट ब्रो प्लीज, 2 मिनट उठो ब्रो, जाने का अपने को, इट्स ऑलरेडी 8:30, लेट हो गया अपन। और अपने एक और भाई अब भी नहाने को गए, तो ये देखिए रूम बैंगलोर में हमें कल रात में मिला था, ठीक ठाक ही है। मुँह कैसा हो गया देखो पूरा, अपना टॉप बॉक्स वहाँ पे रख दिए, टेल बैग वॉइस का इधर है, फ़ोन चार्जिंग लगा लिया, सैमुएल सो रहा अभी भी, अपने गियर्स रेल लाइनर्स, तो चलो देखेंगे। अच्छा तो ये रहा बैंगलोर, बैंगलोर के अपार्टमेंट्स, तो जल्दी जल्दी उठते हैं अभी, मैं तो उठ गया, चलो जल्दी से रेडी होते हैं, रेडी होके नीचे निकलते हैं अभी, इट्स ऑलरेडी लेट, बहुत देर तक सो लिए हम, चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में रेडी होकर, ठीक है।